वहाँ वाटर बंद हो गया, तो उन्होंने मुझे तब बताया। वो कहने लगे कि चलो मैंने तुम्हें कहीं लेके जाना। मैंने पूछा कहाँ पापा, तो वो बोले कि मैं बताता हूँ चलो मैं। तो वो मुझे जसपाल भट्टी जी के पास ले गए, वहाँ पर मैंने एक्टिंग कोर्स किया, पर वहाँ से मुझे कोई आउटपुट नहीं मिली। थिएटर भी किए, शॉर्ट्स मूवी की, एक तेलुगु मूवी किए गोदा, पर तब भी स्ट्रगल चलता रहा। तो अचानक फिर CIFT में आया, वहाँ पे मैंने ज्वाइनिंग की। तो आज जो भी हूँ मैं इनकी बदौलत हूँ, CIFT की बदौलत, इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। तो मैं अपने पापा का सपना है वो पूरा करना चाहता हूँ। दिस इज़ अ रियल स्टोरी। तो ये मेरे पापा का सपना है, मुझे आप सबकी ब्लेस चाहिए। भगवान करेगा तो ऐसी वीडियो बहुत बीमार है। मैंने इसके बगैर कुछ नहीं, तो इसमें मैसेज ये है कि किसी के ऊपर डिपेंड मत हो। धोखा जहाँ में धोखा मेरे यार, मिलता है किसी को मिलता है किसी को, क्या रे सच्चा प्यार। धोखा है जहाँ में धोखा मेरे यार। एज ए सिंगर बनना चाहता हूँ आगे, पर मुझे एक्टिंग का भी शौक, साथ में एक्टिंग को भी लगता है। पापा ने मुझे बताया था वो एक्टर बनना चाहते थे, तो वो किसी वजह से अपनी फैमिली की वजह से एक्टर नहीं बन पाए। वो चाहते कि आप बने। हाँ जी। ये बॉम्बे कितने टाइम तक आप सड़कों के ऊपर एक जैसे अवतार के साथ हुए? सर बॉम्बे में एक साल रहा। अच्छा, वहाँ कोई मतलब कुछ नहीं मिला, रिजल्ट नहीं आया सर? वहाँ पर कोई रिजल्ट नहीं आया सर, वहाँ पे ट्रेनिंग ली वहाँ पे सर, वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग चल रही थी सर हिप हॉप इंटरनेशनल, तो 8 महीने वहाँ ट्रेनिंग चली। तो अगस्त में फिर हम अमेरिका गए लौट, तो उसके बाद वापस आना पड़ा इंडिया है ठीक है, तो बॉम्बे बॉम्बे फिर उसके बाद मुझे आप अच्छा जी गाना जो है कितना टाइम लगा इसको? तो सर टीचर ने जो भी काम करते हो क्या कर दिया? तो 2 महीने हो गए सर। 2 महीने रीटा पाजी सर उन्होंने किया है, और हमारे राइटर हैं ये हमारे मेरे सब नहीं सर, मतलब ये मतलब वही मैंने पहले भी बताया कि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, अपनी मेहनत पे भरोसा करना चाहिए, क्योंकि डिपेंड रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। नहीं वो तो सेपरेट ये धोखा की बात है। धोखा सर खूबसूरती धोखा है। दिखाएंगे हमें थोड़ा सर? यस Thank you.
कोशिश कितनी बाकी बहुत अच्छा बहुत टैलेंटेड बच्चा है और आने वाले समय में ये लाइमलाइट में आएगा जी। तो इसके लिए हम पूरी की पूरी टीम हमारी प्रार्थना करेगी, हमने मेहनत भी की है जी और हम प्रार्थना भी करेंगे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस मीडिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। पूरी टीम ने बहुत मेहनत से काम किया, बिल्कुल ठीक है, लगन से। और तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे सामने आने के लिए, थैंक यू वेरी मच।